subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यह बताने वाला हूँ, यदि आप भी फ़ोन से टिकट बुक करते हैं आप और उस टिकट का ऑनलाइन प्रिंट निकालना चाहते हैं, ऑनलाइन प्रिंट पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन कुछ IRCTC वालों ने कुछ अपडेट किया है जिसके कारण आपको ये समस्या हो रहा होगा कि उस टिकट को आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। बस उसी का मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, आप कैसे ऑनलाइन अपने एंड्रॉइड फ़ोन से आप जो भी टिकट बुक किए हैं और टिकट का ऑनलाइन प्रिंट पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते, चलिए आज की वीडियो में आप लोगों को लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा। तो कैसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप भी हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन को दबाए, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो सुनना हो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किसी भी क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है। आपको ब्राउज़र पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे IRCTC.co.in लिखकर सर्च करना है। जैसे IRCTC.co.in का सर्च करेंगे, सिंपली आपको सर्च कर देना है। जैसे सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से अलर्ट आएगा, इस अलर्ट को हम सिंपली क्या करना है गाइस, ओके कर देना है। इस अलर्ट को ओके करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ 4 डॉट बना हुआ आ रहा है, सिंपली इस वाले 4 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली हम उसको लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसे आपका जो भी IRCTC में यूजर आईडी पासवर्ड है, सिंपली आपका IRCTC का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के सिंपली आपको लॉगिन वाला पे क्लिक करना है। चलिए मैं आपको अपना IRCTC का पासवर्ड डाल देता हूँ। आपको यहाँ थोड़ा कुछ ब्लर दिख रहा होगा, ये ब्लर दिखने का कारण ये है कि मैं आपका अपना आईडी पासवर्ड आपको दिखा नहीं सकता, इस कारण मैं यहाँ पर ब्लर कर दिया हूँ। प्लीज मैं सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे सिंपली लॉगिन हो जाएगा। आपका अकाउंट लॉगिन होने के बाद सिंपली क्या करना है, इसको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको माय ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको माय ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा बुक टिकट हिस्ट्री, सिंपली आपको बुक टिकट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे बुक टिकट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, आप जितने सारे टिकट बुक किए हैं वो अब टिकट यहाँ पे आ जाएगा। आपको सिंपली जो भी टिकट का प्रिंट डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालना है, सिंपली उस टिकट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे उस टिकट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 3 डॉट वाला ऑप्शन आपको दिख जाएगा PNR नंबर के बाजू में, सिंपली उस PNR को क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वो कुछ इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा। आपको अपना प्रिंट ई टिकट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, देखिए लिखा हुआ है प्रिंट ई टिकट, सिंपली आपको प्रिंट ई टिकट वाले उसमें टिकट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबके सामने ये एरर आता होगा, सबको इससे परेशान है, सबका टिकट डाउनलोड नहीं होता है। तो गाइस, इसी का सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, मेन प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन में आना है। 3 डॉट वाले ऑप्शन में आने के बाद आपको अपने स्क्रीन डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। जैसे डेस्कटॉप मोड में ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ओपन होके आएगा, सिंपल इस तरह से ओपन होने के जैसे ही होके आएगा, इस टर्म्स को अलर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ओके वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे इधर आएंगे IRCTC लोगो के बाजू में 4 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे सबसे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आएगा, सिंपली हम लॉगिन वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना UGI ID जो भी है, UGI ID पासवर्ड सिंपली वो डाल के हम अपना UGI ID लॉगिन करेंगे। चलिए अपना UGI ID पासवर्ड हम डाल देते हैं। गाइस, यहाँ ब्लर दिखने का कारण ये है कि मैं अपना आईडी और पासवर्ड आपको लोगों से छिपा रहा हूँ, बस और कुछ नहीं, क्योंकि अपना UGI ID पासवर्ड आप भी किसी को ना बताएं, इससे फ्रॉड हो सकता है। ये लोग कैप्चा फिल करने के बाद सिंपली साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अपना आपका अकाउंट लॉगिन होने के बाद सिंपली फिर से आपको सिर्फ IRCTC से बाजू में 4 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपको माय अकाउंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आपको माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे माय अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फिर से आपको माय ट्रांजेक्शन पे आना है। जैसे माय ट्रांजेक्शन पे आएंगे फिर से आपको बुक टिकट हिस्ट्री पे आना है। जैसे बुक टिकट हिस्ट्री पे आएंगे तो आपका आप जितने भी सारे टिकट बुक किए हैं वो टिकट सिंपली यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपली आपको टिकट प्रिंट निकालने के लिए फिर से आपको उस
टिकट पर क्लिक करना है। जैसे उस टिकट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस, पीएन नंबर के बाजू में प्रिंट का लोगो बना हुआ आ रहा है। सिंपली आपको उस प्रिंट वाले लोगो पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे उस प्रिंट वाले लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपका टिकट इस तरह से कुछ ओपन होकर आएगा। अब सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करके नीचे आना है। सिंपली आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका टिकट इस तरह से पीडीएफ के रूप में आ जाएगा। आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन में ऐसे सेव कर सकते हैं। आप चाहे तो दुकान में जाकर इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आप इसको सेव करने का बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। सिंपली आपको पीडीएफ जो लोगो बना हुआ आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने ईमेल पे सेव कर सकते हैं, आप किसी को भी सेंड कर सकते हैं। आई होप ये गाइस वीडियो को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारा वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन को दबाए, और ऐसा ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।